जिक्र गो के आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है और असातजा हमारे माशरे के मुअज़्ज़ज़ तरीन जो है तबका है और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी उस्ताद के से पढ़ के जो है इस मकाम पे पहुँचे हैं और उस्ताद की जो बेहरमती मकाम है वो रूहानी वालिद की तरह है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ कि जो आज असातजा के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात जनाब स्पीकर, वो आपको अच्छी तरह पता है कि ये असातजा बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के असातजा हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुए थे और उसमें कुछ कानूनी लूफोल्स हैं। अब वो चूँकि ये बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन को गवर्नर बलूचिस्तान डील करते हैं, सूबाई हुकूमत ने एक कोशिश की थी लेकिन गवर्नर साहब ने कुछ क्वारीज लगा के उसको वापस कर दिया है। पहले तो हमें उसका वो मामला ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ से पुलिस सेक्शन का ताल्लुक है तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हकूमती किसी रुकन को या हकूमती किसी जिम्मेदार को इस तरह का कोई उसके नॉलेज में नहीं होगा। हम ज़रूर उसको पूछेंगे और आपकी हिदायत के मुताबिक हम पुलिस से राबता करेंगे और उनका जो है फौरी रिहाई का जो है बंदोबस्त कराएंगे। और दूसरी बात, उस दिन जब यहाँ पे बात हुई उनकी कंफर्मेशन की तो हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन जो है यहाँ से गए थे। चूँकि मिनिस्टर कंसर्न और वज़ीर आला साहब चूँकि बाख्तियार हैं दोनों, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जैसे ही वो दोनों आएंगे हम उनके जो है सामने ये मसला रख देंगे और उनसे गोशगुजार करेंगे कि जब जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो सके उनका जो है दीरीना मामला हल कर दें। जो बात की, अगर वो चाहते हैं कि खारान की जो डैम की स्कीम है वो नहीं चाहता कि वो खारान में बने तो हम सुबह ही पीएसडीपी से उसको हटा देंगे। फैसला नहीं, वो कहते हैं वो करारदाद पेश की है उसकी मैं हिमायत करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जो है अच्छी करारदाद पेश की है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात यह है कि जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस हुए इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त किए थे और बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसने अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सबसे पहले कराए थे और जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो पुरानी 99 की सेंसस के मुताबिक हुए थे। जब इनका लोकल गवर्नमेंट का जो टेन्योर पूरा हुआ तो हुकूमत बलूचिस्तान ने ये मौक़फ़ रखा कि चूँकि अब नए सेंसस हो गए हैं और हमें डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, वो आईनी जो है वो एक ज़रूरत भी है, तो बराए मेहरबानी हमें डिलिमिटेशन करने दिया जाए। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कदगर नागरिक जहाँ पे 130 कोई उन 90 दिनों में शायद एक आगे पीछे में सही मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उसमें जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन और लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो कंट्रडिक्ट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है वो ओवररूल करेगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है कोर्ट में अपील की कि हमें इस पर रिलीफ दिया जाए और हमारा ख्याल ये था चूँकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे कस्बे हैं अब वो शहरों की जो है शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, आबादी बढ़ गई है, तकरीबन डबल हो गई है और बहुत सी यूनिट कौंसल हैं उनको म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा मिलना चाहिए, बहुत से म्यूनसिपल कमेटी जहाँ पे उनको कॉरपोरेशन का दर्जा मिलना चाहिए। और पिछले दिनों कैबिनेट ने एक एजेंडा जो है मंजूर किया था और एक सब कमेटी बनाई थी सलीम कुसा साहब की सरबराई में कि जो भी इंतजामी जो डिविजन हैं वो भी बनाएंगे। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जो जाबेद रिकी साहब ने जो करारदाद पेश की है वो बड़ी अच्छी करारदाद है, वायबल है और हम इसकी जो हिमायत करते हैं।